मैंने एक व्हाट्सएप पे चुटकुला देखा कि भगवान राम सीता से कहने कि सीता मुझे बड़ी हिचकी आ रही है। सीता ने कहा, हे भगवान, हे प्रभु, क्यों? कि लगता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया। ये इतने बदमाश हैं, इतने बक्कार हैं, इतने नालायक हैं। और मजेदार बात ये, आज तक पे एक डिबेट चल रही थी। मंत्री जी, मैं कहना चाहता हूं, मुझे अंजना ओम कससे बड़ी भारी एंकर है। उसने कहा, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, गंगा पे एक फैसला लिया केंद्र की सरकार ने, कहा है कि गंगा को पूरी दुनिया में हम मशहूर कर देंगे। मैंने कहा, ये भी झूठ है, गंगा पहले ही मशहूर है। उन्होंने दूसरा फैसला लिया है कि साहब, गंगा में हम जहाज चलाएंगे पर्यटन के दृष्टिकोण से। सुमित बाबू, आप भी सुन लेना। कहा कि गंगा में जहाज चलाएंगे, शिप चलाएंगे। मैंने कहा, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, इतनी झूठी सरकार नहीं देखी। अबे गंगा में नाव चलाने का पानी नहीं है, जहाज से उड़ाएगा। ये देश 125 करोड़ लोगों का देश है मेरे दोस्तों। इस देश में 125 करोड़ लोगों को बंदर समझा जा रहा है, क्योंकि एक मदारी डुगडुगी बजा रहा है। डुगडुगी बजा रहा है। 2014 के इलेक्शन में एक बात और कही गई थी। अभी हाशिम फिरोजाबादी कह रहे थे कि हिंदुस्तान किसी की बात का नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, किसी की बात का नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान को जब हिंदुस्तान की तकसीम हुई तो ये मौका था, एक मौका था कि पाकिस्तान को चुन सकता था। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान का इंतखाब नहीं किया, इस देश की मिट्टी में मरना कबूल किया। इस देश की मिट्टी में मरना कबूल किया। और मेरे दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं, बेखौफ होकर के कहता हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान बाय चांस इंडियन नहीं है, बाय चॉइस। बाय चॉइस इंडियन है, जिंदाबाद। अरे ऐसा बात नहीं, बाय चॉइस इंडियन। इतना तमाशा हो रहा है, कोई महात्मा सिरफिरा भंगड़ी गोरखपुर से कहता है ये देश केवल हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं। कोई कहता, ये 2014 में कहते थे, देखो हमारी सरकार बनने दो। भाई जरा थोड़ा सरकार बनने दो। मुझे लग रहा है मीडिया मेरी बातों को सुन रहा, दिल्ली भेजेगा कैसे, भेजेगा। एक बीजेपी के शंकराचार्य बोले कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारा इलाज करने की कोशिश हो रही दिल्ली में। मैंने कहा, भाई मेरा गुनाह क्या है? कहने, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैंने कहा, थोड़ी ये सलाह प्रधानमंत्री को भी दे दो। मेरे दोस्तों, 2014 में ये कहते थे हमारी सरकार बनने दो, हमारी सरकार बनने दो। इतने ढोंगी, इतने झूठे नेता मैंने किसी पार्टी के नहीं देखे भाई। जिस तरह ये धर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हमारी मोहब्बत में ये दरार पैदा करते हैं कि हमारी सरकार जब बन गई ना तो इन मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देंगे। अरे 3 साल हो गए, एक मुसलमान पाकिस्तान नहीं गया। जो भेजने की बात करते थे खुद ही चले गए, खुद ही चले गए। और माफ करना, बिना बुलाए चले गए, और बिना बुलाए नहीं, बिना बताए चले गए। इनका डिस्कशन किया, पटेल चला लिया, बाबा साहब अम्बेडकर की कॉली भर रहे। मुझे डर है कहीं इंदिरा गांधी को आप समय चुना रहे। ये बड़े चोर हैं, चोर नहीं है, उचक्के हैं, झूठे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, फिक्र मत करना, फिक्र मत करना। इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, बड़े बवंडर देखे हैं। और जब कभी बवंडर आता है तो कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है, कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। आप एक रहना, आप नेक रहना,